بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की है, कैटेनरी चैप्टर से. प्रूव दैट द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू द वेट ऑफ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्टर्स. या इसको हम सिंबल में, यानी मैथमेटिकल सिंबल में इसको दिखाएं तो हमें प्रूव करना है t इज इक्वल टू ओमेगा वाई. ये प्रूव करना है. प्रूव दैट द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, यानी टी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज डायरेक्ट लेंथ इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्टर्स. यानी जो पॉइंट होगा उसकी डायरेक्टर्स से डिस्टेंस वाई होगी, तो वहाँ तक डिस्टेंस के बराबर वेट निकालना है. तो ये यहाँ पर हमने स्मॉल डब्ल्यू या ओमेगा कहते हैं, तो ओमेगा का हमने यहाँ पर यूज़ किया है. तो इसको हमें प्रूव करना है और इसी में बात आ जाएगी कि ये ओमेगा है क्या. तो उसके लिए हमें जो शुरुआत में हम लोग कैटेनरी का इंटेंसिक इक्वेशन जिस तरीके से फाइंड करते हैं, वही आर्टिकल उससे रिलेटेड हमें थोड़ा लेना होगा. यानी एक्चुअल में बता दें कि दो पोर्शन में हमें से हमें दो आर्टिकल को प्रूव करके उन्हें कंबाइंड करना होगा. तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो कैटेनरी को बना लेने चाहिए. एक कैटेनरी माना कि एक कैटेनरी है यहाँ पर. जब हम लोग जानते हैं कि दो कोई भी स्ट्रिंग हो उसके दो सिरों को, जो ज़रूरी नहीं कि वर्टिकली हों दोनों, अगर हम फ्रीली हैंग कर देते हैं अपने किसी भी प्लानेट पर जैसे कि अर्थ पर, तो वो स्ट्रिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, होना चाहिए. और तो ये वेट की वजह से अपने इस तरीके से वो हैंग करेगी. और जब ये हैंग करेगी इन पॉइंट्स के बीच में, तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर अगर डिनोट कर दें ए और बी से, तो ये इस फ्रीली इसको हैंग करेगी. उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको अगर हम सी बोलें, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते जाएंगे और उसको और आगे बनाते जाएंगे. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि लेट ए सी बी, जैसे कि पीछे पर भी बनाया हमने, बी ए कॉमन कैटेनरी. तो कॉमन का मतलब ये होता है कि उसके हर यानी यूनिट जो लेंथ अगर ले ली जाए तो उसका वेट इक्वल होगा. यानी ऐसा नहीं कहीं पर वो मोटी होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, कहीं पर पतली होगी उसका वेट कम होगा. मोटा पतले होने से वेट पर इफ़ेक्ट, मतलब एक ही मटेरियल की है तब हम ऐसा कह सकते हैं. मीन्स ये है कि यूनिट जो लेंथ होगी उसका वेट इक्वल होगा, चाहे वो यूनिट लेंथ हम कहीं से भी ले लें. तो ये एक ए सी बी जो है वो एक कॉमन कैटेनरी है. इसका जो लोवेस्ट सिर पॉइंट है सी है, ऑफ विच और जिसका ऑफ विच सी इज़ द लोवेस्ट पॉइंट. सी जो है वो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट है. और इसमें एक पॉइंट हम और ले लेंगे अपने इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए. तो उस पॉइंट को मान लेते हैं लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दी कैटेनरी. तो इस पी को कोई भी हमने एक पॉइंट मान लिया है यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर हम शो भी कर देते हैं इस कैटेनरी के. इसमें इस पॉइंट को हम पी यहाँ पर लिख देते हैं, इस पॉइंट को पी कह दिया. थोड़ा दूर लिखा है क्योंकि अभी हमें टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी ऑन दी कैटेनरी सच दैट. इस तरीके से ये पॉइंट लेंगे सच दैट आर्क सी पी, आर्क सी पी यानी सी से लेके जो लोवेस्ट पॉइंट सी है और पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हम इसमें स्मॉल एस डिस्टेंस यानी
सी से लेके पी तक की कर्व के जो अलोंग डिस्टेंस होगी, यानी सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी कर्व के अलोंग, उस डिस्टेंस को यहाँ पर एस से डिनोट किया गया है, कर्व के अलोंग जो डिस्टेंस है। अब जो हम बात कर रहे थे अभी इस ओमेगा की, ये ओमेगा क्या है यहाँ पर, इफ़ ओमेगा बी, उसको भी डिफाइन कर दें, बी दी ये वेट होता है लेकिन यूनिट लेंथ का, बी दी वेट, वेट पर यूनिट लेंथ, मीन्स ये है कि अगर इस स्ट्रिंग को, डोरी को अगर हम इक्वल जैसे एक सेंटीमीटर या एक मीटर इक्वल पार्ट में अगर बांट दें तो हर एक का वेट जो है इक्वल होगा और वो ओमेगा होगा। जैसे हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1 सेंटीमीटर के हर एक हिस्से का वेट जो है इतना ही होगा, तो ओमेगा बी दी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, यानी जो डोरी है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की हर एक यूनिट का जो वेट होगा वो इक्वल होगा ओमेगा के। और चूँकि हमने जो सी से लेके पी तक लिया है डिस्टेंस, यानी इसका जो वेट होगा वो कितना होगा इस बेस पर, तो कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेट ऑफ सी पी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एस हो जाएगा, क्योंकि जब 1 यूनिट का जो वेट है वो ओमेगा होता है तो एस यूनिट का कितना होगा, तो ओमेगा इंटू एस हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो सी पी जो वेट होगा ये वर्टिकली इसका नीचे की तरफ वर्क करेगा, क्यों वेट हमेशा वर्टिकली नीचे की तरफ वर्क करता है, माना कि यहाँ पर ये सी पी है वो इक्विलिब्रियम में है, और ये जब इक्विलिब्रियम में है तो हमें देखना होगा कि इस पर कितने फोर्स लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इस लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो निकालने के लिए हमें किसी भी पॉइंट पर स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, कितना खिंचाव है, तो उसको निकालने के लिए उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो वर्टिकली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगी, और वो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन को हम लोग यहाँ पर टी नॉट से जॉइंट करेंगे। ऐसे पी पॉइंट पर जो टेंशन होगा उसको हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके के अकॉर्डिंग ये टेंशन, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, उसको टी से नोट करेंगे। यानी इस को देखिए अगर कट करें तो आपको मालूम है ये सिरा इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला सिरा इसमें एक फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को हम टी नोट कहेंगे। ऐसी सी पी ये डोरी ऐसी बनी है इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर यहाँ से कट कर देंगे तो ये सिरा नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब इसको खींचा जा रहा है कितने फोर्स से, टी फोर्स से, ये मतलब है इसका। तो इस सिरे पर दो फोर्स तो ये लग रहे हैं, और हम लोग जानते हैं एक वेट जो सी पी का वेट है वो भी लग रहा है जो नीचे की तरफ होगा, और इतना पोर्शन देखें अगर सी पी का, तो सी पी पर चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए ये जो तीन फोर्स होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी बॉडी पर अगर तीन फोर्स लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम है तो तीनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये चूँकि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से होकर जा रही है, और इसलिए इसका जो वेट होगा उसकी भी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वेट फोर्स की, यानी वेट के फोर्स की, उसकी भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, और इसका वेट डब्ल्यू एस था जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस तरीके से इसका वेट हमने यहाँ निकाल दिया जो नीचे की तरफ डब्ल्यू एस लग रहा है। अब यहाँ पर हम जो फोर्सेस हैं इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली। तो उसके लिए पहले तो ये देखें कि जो एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर लेना होगी, या हॉरिजेंटल के साथ में इस जो लाइन है उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है और इसका यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो साई हम लोग मान लेते हैं, और इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब किसी बॉडी पर कई फोर्स लगे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम जब फोर्सेस हैं उसको रिजॉल्व जब करेंगे तो
हॉरिजेंटल फोर्स जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन के वो इक्वल होंगे और वर्टिकल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल होंगे, यानी इस तरफ के जो फोर्स होंगे वो इधर के इक्वल होंगे, ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होंगे। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम इस फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम रिजॉल्व करेंगे, यानी रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली यानी हॉरिजॉन इस तरीके से, यानी अर्थ के पैरेलल एंड वर्टिकली यानी अर्थ के परपेंडिकुलर वर्टिकली दोनों पार्ट में तोड़ देंगे, यानी डब्ल्यू एस के परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल और इसी की डब्ल्यू एस की डायरेक्शन में इसे दो पार्ट में तोड़ रिजॉल्व कर देंगे। तो हम देखेंगे कि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी नॉट और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसे तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। ओनली ये फोर्स टी जो है उसको जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे यानी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के साथ में इसका जो एंगल बन रहा साई है, तो हॉरिजॉन्टल टी का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस साई, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो टी साइन साई होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है सीपी, तो अपोजिट तरफ की जो फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी टी नॉट इसके इक्वल हो जाएगा और ये टी साइन साई जो है ओमेगा एस के बराबर हो जाएगा। अपोजिट तरफ के फोर्स आपस में हम लोग इसको इक्वल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो टी कॉस साई है यानी राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के, इसे इक्वेशन नंबर वन डाल के हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रूफ करने के लिए इस नेक्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हालांकि हम जो इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, फिर भी हम इस अगले इक्वेशन को लिख देते हैं। तो टी साइन साई की वैल्यू जो है ओमेगा एस के बराबर होगी, हालांकि इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपना जो लोवेस्ट पॉइंट से उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लूड करना चाहते हैं कि हम पुट कर दें पुटिंग टी नॉट अपान जो ओमेगा है उसको हम सी मान देते हैं अपनी आसानी के लिए, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इतना हम मान लेते हैं अपने आसानी के लिए। तो इससे क्या होगा कि टी नॉट की जगह पर हम ओमेगा सी कह देंगे, और इसी के साथ साथ जो है हम इतना अगर मान लिया है तो ये जो वैल्यू है सी वो एक्चुअल में फिर डिनोट करेगी आगे चल के इसी आर्टिकल के बेस पर ये डिस्टेंस डिनोट करेगी एक्स एक्सिस से सी की, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस डिनोट करेगी। इस तरीके से हम अपना जो वाई एक्सिस को यहाँ पर मान लेते हैं इस एक्सिस ऑफ कैटेनरी यानी दोनों को बराबर वाला पार्ट में बांट रही है, और सी जो लिया है वो जो है होता है इस कैपिटल सी से इस ओरिजिन तक की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी इस कैटेनरी के, सी जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल सी है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे चूँकि हमने एक्सिस बाई एक्सिस मान लिया तो ज़ीरो कॉमा सी हो जाएंगे। और अब हम अपने इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया था कि जो वेट है यानी जो टेंशन है किसी भी पॉइंट पर कैटेनरी के वो है इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज लेंथ इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ये है और पॉइंट हमने ये लिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कमा वाई हैं तो ये कहा जा रहा है इस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है यानी इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको मालूम है ये एक्स डिनोट होगा और ये डिस्टेंस वाई डिनोट होगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है तो हमें टी बराबर ओमेगा वाई ये प्रूव करना है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ था।
होस वर्टिकल होस लेंथ इज वर्टिकल, क्योंकि इस जैसे यहाँ पर एक डोरी जैसे स्ट्रिंग को डोरी को लटकाया जाए तो इसकी लंबाई इतनी होगी वाई, और उसका वेट कितना होगा, वन का डब्लू है तो इस वाई का कितना होगा, तो वाई का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू वाई हो जाएगा, जैसे एस का निकाला है तो डब्लू एस हो गया था। तो बताया जा रहा है कि जो टेंशन है वो स्ट्रिंग की उस लेंथ के बराबर होगा जो वर्टिकली इसमें हैंग कर रही होगी, और वो उसकी जो लेंथ है वो इस पॉइंट से डायरेक्टली इस तक की डिस्टेंस जो कि वाई के इक्वल है। तो यानी हमें टी बराबर ओमेगा वाई प्रूव करना है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था। अब ये इक्वेशन वन और थ्री हमने लिखे हैं, आप चाहें तो वन और थ्री को ही लिखें और टू को ना लिखें, तो वन और टू हो जाएंगे ये इक्वेशन। तो इनके यूज़ से हालांकि लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन वन और थ्री से हम टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो इक्वेशन टी कॉस साई की जो वैल्यू होगी टी नॉट की जगह पर यहाँ पर ओमेगा सी आ चुका है। तो यहाँ पर हमें चूँकि टी की वैल्यू निकालना है तो कॉस को राइट हैंड साइड पहुँचाएंगे, तो टी बराबर हो जाएगा ओमेगा सी अपान में हो जाएगा कॉस साई। आपको मालूम है कि वन अपन कॉस जो होता है वो हो जाता है सेक्स आई हो जाता है। तो अब हमें पहचानना होगा ये वैल्यू जो है वो यानी सी सेक्स आई जो है वो कितने के बराबर होगी, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसे टी बराबर मेगा वाई यानी ये वाई के बराबर होगी, तो हमें इसे वाई बराबर कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए इक्वेशन नंबर फोर डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इसको हमें जैसे कि शुरुआत में बोला था कि इसके दो पार्ट में हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट इसमें ये वैल्यू वाई के बराबर दिखाना है। या अगर आपको टाइम लग रहा हो एग्ज़ामिनेशन में, मतलब टाइम कम हो, तो आप डायरेक्ट बता देना कि सिंस वी नो दैट वाई इज़ इक्वल टू सी सेक्स आई, तो इसकी जगह पर फिर आप वाई लिख के बात ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास देखें कि सॉल्यूशन करने का टाइम है तो आप इसको इस तरीके से और क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, कि ये लिख सकते हैं कि फॉर कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी, यानी जितनी भी कैटेनरी होंगी वो कॉमन ही होंगी हम लोग जो कंसीडर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि S बराबर होता है सी टेंस आई होता है, यानी वो फार्मूला कैसे आया जो भी हमने बताया, उसके लिए अब यहाँ पर Y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी एस ओवर डी वाई हो जाएगा, और C यहाँ पर कॉन्स्टेंट है उसी बाहर ले देंगे, टेन का डिफ्रेंसीशन हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, और फिर साई का भी एस के रिस्पेक्ट में करना होगा डी साई ओवर डी वाई हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से जो डी वाई ओवर डी एस होता है वो तो होता है साइन साई के इक्वल, तो यहाँ इसे चूँकि हमारे पास ये ज़रूरत है इसे पलटेंगे, यानी डी एस अपान डी वाई करेंगे, तो ये भी अपान बन करते हुए वन अपान साइन साई ये भी पलट जाएगा, वन अपान साई जो होता है वो कॉसिक साई के इक्वल होता है। इस तरीके से हम ये वैल्यू जो है जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये कॉसेक साई इज इक्वल टू सी इंटू सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई ओवर वाई। तो हमें अभी अब जो रिलेशन निकालना है वाई और साई के बीच में, ये रिलेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो सेपरेट कर देंगे वेरिएबल, यानी यहाँ पर साई और वाई है तो डी वाई को हम और डी साई को न्यूमरेटर में रखना है, तो उसे राइट से लेफ्ट में पहुँचा देंगे, तो और इसको उधर पहुँचा देंगे ताकि एक ही टर्म सारे टर्म जो हैं साई वाले एक साइड हो जाएं फैक्टर्स, यानी डी साई के साथ ध्यान रहे डी वाई और डी साई एक उसमें रहेंगे यानी न्यूमरेटर में रहना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दो पावर है यहाँ पर सेक की, इंटीग्रेशन चूँकि हमें करना होगा तो इंटीग्रेट किया तो कॉन्स्टेंट सी जो है बाहर हो जाएगा दोनों साइड, इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब हम किस तरीके से सेक साई अपान कॉसिक साई का इंटीग्रेशन करें, और इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसको हम के डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वन का इंटू मानेंगे तो वन का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा सी इंटू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसे लिख सकते हैं एक सेक स्क्वायर है तो सेक साई लिख दें, और एक सेक साई को वन अपान में कॉस साई कर दें, और इस कॉसिक साई को लिख सकते हैं यानी वन अपान कॉसिक की वैल्यू जो होती है वो साइन साई के इक्वल होती है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा अगर साइन अपान कॉस को हमने टेन कह दिया, तो वाई इज इक्वल टू सी क्योंकि ये फार्मूला होता है सेक साई इंटू टेन साई
का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec psi के बराबर होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे इसे y इज इक्वल टू c sec psi कह देंगे और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इक्वेशन नंबर हम डाल चुके थे 4 तक, तो इसे 5 डाल दें ताकि हम इसमें जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फू फाइंड निकाल दें। तो एट तो कंडीशन लगाना पड़ेगी जो हमें पता होगा x ऑफ साई की वैल्यू इस पॉइंट पर। हम लोग जानते हैं कि साई जो होता है वो हॉरिजेंटल से क्या एंगल बन रहा है वो डिनोट करता है, क्योंकि इस सी पॉइंट पर हमें पता है कि यहाँ पर जो टेंजेंट है हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा है ज़ीरो के बराबर, और वहाँ पर वाई की जो वैल्यू है वो सी के बराबर है, स्मॉल सी के बराबर है। तो इसलिए हम बात करेंगे एट द लोवेस्ट पॉइंट, एट द लोवेस्ट पॉइंट यानी सबसे निचला पॉइंट जो है इस कॉमन कैटेगरी का वो सी है, तो वहाँ पर साई की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू एक्स की जरूरत थी तो वाई की वैल्यू ज़ीरो है। इसे इक्वेशन नंबर है जब हम 5 में पुट करेंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू सेक साई की वैल्यू ज़ीरो प्लस करके, और हम लोग जानते हैं कि सेक ज़ीरो कि जो वैल्यू हो, सॉरी यहाँ पर हम ये गलत दिख गए कि वाई की वैल्यू ज़ीरो, तो अभी बोला था जैसे शुरुआत में कि साई बराबर ज़ीरो होगा तो वाई की वैल्यू सी थी, वहाँ पर दिखा भी दी थी हमने आपको, देख लीजिएगा पीछे, तो ये सी है, तो ये सी है और सेक साई सेक ज़ीरो की वैल्यू वन के इक्वल होती है और यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगी, तो के वैल्यू के की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो आ गई। तो ये के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, पीछे है आप देख लीजिएगा, पुटिंग इसको रख देंगे, पुटिंग k इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी c sec psi। तो इसे इक्वेशन नंबर चाहे आप 6 डाल दें, और ये फार्मूला भी है जो आपको याद भी रखना होता है, डायरेक्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग दिस वैल्यू यानी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो ऐसे भी कर सकते हैं या पुटिंग भी लिख सकते हैं कि 6 से पुट कर दिया हमने 4 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, तो वहाँ पर t बराबर ओमेगा था और ये था सी सेक साई था, तो सेक साई की जगह पर जो है सी सेक साई की जगह पर y कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर किया जाएगा, ये फार्मूला है, ये डिनोट कर रहा है कि जो टेंशन होगा किसी भी पॉइंट यानी कॉमन कैटेगरी के किसी भी पॉइंट पी पर, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो कहा जा रहा है कि इसकी यूनिट लेंथ का जो वेट होता है 1 सेंटीमीटर का, जैसे कि तो यहाँ पर ये डिस्टेंस वाई होगी, तो इसका जो वेट होगा डोरी का वो अगर जितना होगा उतना ही इस पॉइंट पर जो टेंशन होता है उसके बराबर होता है, यानी कॉमन कैटेगरी के किसी भी पॉइंट के लिए ये बात लागू होती है, यही कंडीशन यही इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर कॉमन कैटेगरी की। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।